चलिए क्लास 12 एक बार फिर से स्वागत है आपका। इस बार मैं कराऊंगा क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23 और पेज नंबर सेम है 59। क्वेश्चन दिया है, जय विजय संजय एक फर्म में साझेदार हैं जो 2:1:1 के अनुपात में लाभ हानि का विभाजन करते हैं। उनकी पूंजी क्रम से 28,819,214,400 है। साझेदारों को पूंजी पर 5% वार्षिक ब्याज दिया जाता है। संजय को 7,200 रुपए वार्षिक वेतन भी मिलता तथा विजय को सकल विक्रय 3% कमीशन भी मिलता है। फर्म का लाभ 27,600 था, सकल विक्रय 3,36,000 रुपए था। उनके आरोप पर ब्याज क्रमशः 1,92,240 व 2,88 थे। लाभ हानि वितरण खाता बनाना, यहाँ सिर्फ हमको लाभ हानि खाता बनाना है, तो मैं यहाँ पर बनाऊंगा लाभ हानि खाता विवरण राशि विवरण और राशि। ठीक है, अब सबसे पहले मैं यहां के लिखने वाला हूं पूंजी पर ब्याज, पूंजी पर ब्याज खाते से। ठीक है, और पूंजी पर जो ब्याज है वो इस वक्त है पूंजी 28। नाम लिख लूं, जय विजय संजय, जय विजय संजय। ठीक है ना, इनकी पूंजी है 28,819,214,400, 28,819,214,400। और इनकी पूंजी पर जो ब्याज जा रहा है वो जा रहा है 5%, 5/100, 5/100 और 5/100। चलिए स्टार्ट करते हैं, 00 00 00 00 00 और 00 से 00। 5 8 40 का शून्य, हाथ का है 4, 5 8 40 चार 44 के 4, हाथ का है 4, 5 2 10 और 4 14। पहले का आएगा 1440, दूसरे का आएगा 5 2 10 का शून्य, हाथ के आया 1 5 9 45 1 46, 5 1 5 4 9, 960 दूसरे का। पहले का 1440, दूसरे का 960 और तीसरे का आएगा 5 4 20 का शून्य, हाथ का है 2 14 5 70 और 2 72 मतलब 720 रुपए। ठीक है, ये तीनों का पूंजी पर ब्याज आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, लिखा हुआ है संजय को 7,200 रुपए वार्षिक वेतन मिलता है। अब मैं यहां नाम लिखूंगा संजय वेतन खाते से, वार्षिक है, साल में एक बार सीधे 7,200 रुपए लिख दिया जाए। ठीक है, उसके बाद लिखता है तथा विजय को सकल बिक्री पर 3% कमीशन मिलता है। अब मैं यहां लिखूंगा विजय कमीशन खाते से कितने परसेंट, 3%। ठीक है, 3%। अब अमाउंट से सकल बिक्री कितने की है, 3,36,000 × 3/100। ठीक है, 3 9 0 3 6 18 की 8, हाथ के आए 1 3 9 10 का 0, हाथ 1 3 9 10 मतलब 10,080। ये हो गया कमीशन आपका 10,080 रुपये। फर्म का लाभ जो लास्ट वर्ष का था शेष लाया गया वो था 27,600। ये पिछले वर्ष का हमारा शेष था 27,600। अच्छा, इसमें आहरण पर ब्याज भी है, तो यहां मैं लिखूंगा आहरण पर ब्याज खाते को। ये यहां इसलिए आता है क्योंकि ये साझेदार प्रोवाइड कर रहा है, साझेदार दे रहे सामने वाले को, इसलिए ये क्रेडिट में आता है। और ये सारी चीजें यहां इसलिए आती है क्योंकि वो साझेदारों को प्राप्त हो रहे, इसलिए वो यहां पर डेबिट में आता है। तो अब यहां मैं नाम लिखूंगा जय विजय संजय। ठीक है, जय का कितना है 9,192, विजय कितना है 240 और संजय कितना है 288, ओवरऑल होगा 720। ठीक है, सवाल हो चुका है, मैं इसको क्लोज करूंगा। आप सब ध्यान से देखते रहना, किसी प्रकार की समस्या हो तो पूछ सकते हैं। क्लोज करने पर इसको हम जोड़ते हैं 0 0 2
3, 1, 8, and 2 28,320 चलिए वहां चलते हैं। यहाँ का टोटल हो रहा है 0, 0, 0, 0, 0, 8, 10, 10, 10, 20 का शून्य, हाथ का या एक, यह हो जाएगा 5, 9, 5, 14, 14, 7, 21, 22, 23, 23 का 3, 23 का 3, हाथ का आया 2, 2 और 1, 3, 3 और 7, 10, 10 का 0, हाथ का आया 1 और 1 और 1, 2, 0, 2, 0, क्या बात है, कुछ गड़बड़ है क्या? इसका टोटल एक बार फिर से करेंगे, कुछ मिस्टेक्स ही लग रही है इनको, टोटल में कुछ मिस्टेक्स ही लग रही है, इसको फिर से एक बार जोड़ लें। फिर से देख लेंगे इनके जो लाभ बांटने का जो अनुपात है वो कुछ है। टोटल में कुछ गड़बड़ी है, एक बार फिर से टोटल करेंगे, ये फिर से टोटल कर ले हम यहाँ, ये है 10,080, ये है 7,200 और ये हो रहा है आपका, टोटल करते हैं इसको तो ये हो जाता है 14 और 9, 14, 9, 23 और 7, 30, 31, 20 31, 20, 0, 0, 0, 0, 1, 2, 3, 4 और ये हो जाएगा 7, 3, 10 का 0, 1, 2 और यहाँ हो जाएगा 28,320 - 20,400, 0, 2 यहाँ हो जाएगा 13, 13, 4 गया तो 9 बचा और 7,720 रुपये का लाभ होगा आपका। लाभ खाते से 7,920 रुपए, इसको आप जय विजय और संजय में बांटने वाले हैं, 7,920, 7,920 और 7,920, 2/4, 1/4 और 1/4। तो चलिए सबसे इसमें 4 से भाग दे देते हैं, 4 एकम 4 बचा 3, 4 नाम 36 बचा 3, 4 8 32 और 4 9 0 मतलब लास्ट के दो लोगों का 1980 रुपए आएगा। यहाँ होगा 1980, यहाँ भी होगा 1980, 1938 1960 और इसका हो जाएगा 3960 रुपए। ठीक है, एक बार चेक कर लें, बिल्कुल सही यही आपके आंसर हो, सबको जोड़ोगे 7,920, ओवरऑल करोगे 28,320। लीजिए आपका ये सवाल यहाँ कंप्लीट होता है, सारी चीजें मैंने यहाँ कर रखी हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर, सिर्फ लाभ हानि खाता बनाना था और लाभ हानि खाता बन चुका है। ठीक है, ये पूरा लाभ हानि, सबसे पहले हमने पूंजी पे ब्याज दिया, फिर संजय को वेतन दिया, विजय को हमने कमीशन दी, पिछले वर्ष का लाभ 27,600 था, वहीं आहरणों पर ब्याज प्रोवाइड कराया गया कंपनी को 192, 240 और 288 के तौर पे, तो आपका 720 रुपये होता है। यहाँ पर एक बार टोटल कर लेते हैं, 8, 10 का 0, हाथ का 1, 10, 10 और 12, 22 का 2, हाथ का या 2, 2, 4, 6, 7, 720 रुपये हुआ, कंप्लीट हो गया, ओवरऑल किया 28,320 हुआ। 28,320 में से हमने 10,72 और इनको जोड़ा 3120, टोटल करके घटाया, तो जैसे घटाया था हमारे पास जो शेष लाभ के रूप में बचता है वो बचता है 7,920 रुपया। ये प्रॉफिट है जो अब हम
जय विजय और संजय को उनके रेशियो में बांट देंगे। उनका रेशियो था 2:1:1, मतलब 2/4, 1/4 और 1/4। और जैसे ही बांटा तो पहले वाले को मिला 3960, दूसरे को मिलता है 1980 और तीसरे को मिलता है 1980। इसके साथ आपका टोटल 7920 कंप्लीट हो गए। आपका ये सवाल कंप्लीट होता है 28320 के साथ। उम्मीद करता हूँ आपको ये सवाल समझ में आया होगा। आज मैंने आपको 2123 करा दिए, बाकी सवाल कल आएंगे। नोट कीजिए, प्रॉब्लम होती है शेयर कीजिए।